हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ में बात करने वाला हूं जो सेकंड ग्रेड का मैथ्स का सिलेबस दे रखा है दोस्तों, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे त्रिभुजों के बारे में। इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को त्रिभुजों के प्रकार बता दिए थे और त्रिभुज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो सब मैंने बता दी थी। और त्रिभुज के प्रकार जैसे कि मैंने आपको भुजाओं के आधार पर तीन बताए थे और वैसे ही कोण के आधार पर भी बताए थे। फिर हमने जो ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा के द्वारा जो कोण बनाए जाते हैं, संगत कोण, सम्मुख कोण, एकांतर कोण, उन सभी के बारे में बात कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में, यानी कि त्रिभुजों की जो सर्वांगसम स्थितियाँ होती है उन सभी के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूपता, और फिर जो है हमारा आगे की बातें हम करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक आप डालिएगा दोस्तों, त्रिभुजों में सर्वांगसम स्थितियाँ। तो लिखिएगा त्रिभुजों में सर्वांगसम स्थितियां। सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट जो आपके दे रखा है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, उसी को कहते हैं त्रिभुज की सर्वांगसम स्थितियां। तो जो त्रिभुज है दोस्तों वे सर्वांगसम क्यों कहलाते हैं? तो दो कोई भी आकृति ले लीजिए आप। सर्वांगसम का मतलब पहले हम समझ रहे हैं, ठीक है? मैं पहले आपको एक पेन ले लेता हूँ। अब देखिए, जो ये सर्वांगसम है इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, यानी इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी आपने क्या करा, दो आकृतियाँ जिनका आकार व माप समान हो, आकार और जो माप है वो समान हो, परंतु स्थिति अलग-अलग हो, सर्वांगसम कहलाती है। सर्वांगसम कहलाती है। तो कोई भी दो वस्तु, अलग अलग प्रकार की आपने आकृतियां ले ली मैथ्स के अंदर, और दोनों आकृतियां जो है उनका आकार और जो माप है वो तो समान होगा, लेकिन जो स्थितियां हैं वो उनकी अलग अलग होगी। अब अगर जो स्थितियां हैं वो क्या हो सकता है कि भाई भुजा के आधार पर अलग अलग हो सकती है, कोण के आधार पर अलग अलग हो सकती है, तो वो किस आधार पर अलग अलग है उसके बेस पर सर्वांगसम के चार नियम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? चार नियम। उसमें पहला नियम आता है दोस्तों आपके भुजा 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 यानी कि ट्रिपल एस। दूसरा नियम आता है भुजा कोण भुजा। तीसरा नियम आता है कोण भुजा कोण। ये स्थितियां मतलब एक बार आपका कोण अलग होगा, एक बार भुजा अलग होगी, एक बार तीनों भुजाएं अलग अलग, ऐसे, ठीक है? और चौथा नियम है वो है दोस्तों आर एच एस यानी राइट हैंड वो हाइपोटेनियस साइड, ठीक है? मतलब समकोण कर्ण भुजा, राइट हाइपोटेनियस साइड, फिर है एंगल साइड एंगल, फिर है साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड, ठीक है? तो अब हम तीनों चारों नियमों की अलग अलग बात करेंगे कि और किस नियम में क्या क्या रूल है। पहला नियम है ट्रिपल एस, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए तो आप लिखिएगा दोस्तों ट्रिपल एस के बारे में, यानी एस एस एस। तो जो एस 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 है इस नियम का मतलब है दोस्तों कि यदि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं
के समान हो। ठीक है, यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं जो है वह क्रमशः दूसरे त्रिभुज की जो तीन भुजाएं हैं उनके समान हो, यानी मैं आपके सामने डायग्राम से समझाऊंगा अब आपको कि ये कहना क्या चाहता है। तो देखिए, एक सेकेंड, इसको कलर चेंज करना पड़ेगा, वाइट ये लिया हमने। देखो, 4, 8.1, 9.1, ऐसा ही त्रिभुज हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट यही बनाना है। ये देखो बन गया, तो इसका नाम दिया ए बी सी। ठीक है, ऐसे ही इसका नाम दिया पी क्यू और आर। ठीक है, अब ये मान के मत चलिए कि ये समकोण त्रिभुज ही होगा, ये अलग प्रकार का त्रिभुज है, केवल मान लो कि ये अलग प्रकार का है, दिख रहा है समकोण मुझे पता है लेकिन। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर मानो, है नहीं दो लेकिन मान लो, ये 4 सेंटीमीटर मान लो और ये 3 सेंटीमीटर मान लो। तो अगर ये दो है तो ये भी इसके सामने वाली भुजा दो होगी, ये 4 होगी और ये 3 सेंटीमीटर होगी। अगर ऐसा हो जाता है तब ही हम त्रिभुज ए बी सी को सर्वांशम का निशान है ये बराबर, और उसके ऊपर ऐसा घुमा करके आप क्या कर दोगे, एक लाइन और खींचोगे, तो ये है सर्वांशम का निशान या सर्वांशम का चिन्ह। तो ए बी सी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। बात समझ में आ गई? तो ए बी सी त्रिभुज सर्वांशम हो गया पी क्यू आर के, किस नियम से? तो ये नियम है हमारा एस एस एस, यानी भुजा 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 नियम, या साइड 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 रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होगा, साइड 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 में तीनों भुजाएं जो है वो क्या हो जाएगी, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों हमारा, एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा नियम। ठीक है, ये भुजा कोण भुजा नियम क्या कहता है उसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण। ठीक है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं ले लो कोई भी, और उनके बीच का जो कोण है वो दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण बराबर हो। यानी कि यहां पर भी क्या करना है, एक त्रिभुज ले लेंगे, उसके दो भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कोण, वैसे ही दूसरा त्रिभुज लेंगे और उस दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच बनने वाला कोण अगर बराबर हो तो हम उन दोनों त्रिभुजों को क्या कहेंगे, भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड नियम से सर्वांशम है। इसका डायग्राम बना देता हूं मैं आपके सामने, ये लीजिए। ठीक है, और ऐसा ही एक और ये लीजिए। अब इनका नामकरण कर दो, इसका नाम ए बी सी, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर। ठीक है, ये हमने रख दिया कितना, 50 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ये ए बी भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर मान लो और इसको 7 सेंटीमीटर मान लो, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। जब ये केस है तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के।
बात समझ में आ गई। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो भुजा कोण, भुजा नियम क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज की भुजा तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हो तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। दूसरा नियम कहता है ऐसे एस कि अगर साइड एंगल साइड नियम, यानी यदि एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो वो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तीसरा नियम देखिए भाई, तीसरा नियम क्या कहता है और ये कैसे काम आएंगे वो तो सिर्फ क्वेश्चन करेंगे तभी समझ आएगा, अभी केवल लिखना है। तीसरा कहता है एंगल साइड एंगल नियम, यानी ए एस ए नियम। तो ए एस ए नियम क्या कहता है, ए एस ए नियम कहता है कि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके बीच की भुजा के बराबर है। भाई ए एस ए नियम यानी कि एंगल साइड एंगल नियम कहता है कि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की जो भुजा है वो अगर क्रमशः दूसरे किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के अगर बराबर हो जाए तो हम उसे कहते हैं एंगल साइड एंगल नियम से सर्वांगसम। तो ये मैं आपके सामने दो त्रिभुज बना रहा हूँ, ये बना दिए, नामकरण कर देंगे वही ए बी सी, ठीक है। ये ए बी सी इधर हो जाएगा पी क्यू आर, और मान लीजिए ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 40 डिग्री, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 40 डिग्री, ये भुजा कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इसे क्या हो जाएगा, ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, बस यही कहता है ये नियम, कुछ नहीं करना है। जो नियम में कहा एस 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 का, तो आप क्या करोगे, तीनों भुजाएं बराबर कर दोगे। एस ए एस का तो दो भुजा बराबर कर दो, एक कोण बराबर कर दोगे। अगर ए एस ए का तो दो कोण बराबर कर दोगे और एक भुजा बराबर कर दोगे। ऐसे ही जो चौथा नियम है वो है आपका आर एच एस, यानी कि समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा, राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के समान है, ठीक है।
राइट हैंड सॉरी राइट हाइपोटेनियस साइड, वो राइट हैंडेड इसलिए याद आ रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है ना, इसलिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा क्योंकि इसमें एक समकोण की बात हो रही है इसलिए, ठीक है। तो ये बात आपके लिए इजी हो जाएगी कि ये हमेशा क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी इसमें, क्योंकि कर्ण और जो राइट एंगल है समकोण है वो किस में आएगा, हमेशा समकोण त्रिभुज में ही आएगा। तो ए बी सी ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ऐसे ही पी क्यू आर ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो ये ऑटोमेटिकली 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इससे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। बस ये 4 नियम थे कॉन्ग्रुएंसी के, ये 4 रूल ही है बस इतने, इन 4ों रूलों को आपको याद रखना है और समझ में आ जाना चाहिए। जब भी त्रिभुज में कहीं पर अगर ए एस ए नियम की बात हो रही है तो कैसे लगाना है और कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछेंगे, वो मैं सब बताऊंगा, आपको डरना नहीं है। केवल एक बार पहले इसे रिवाइज कर लेते हैं हम। तो देखिए, त्रिभुजों में सर्वांगसम स्थितियों की बात करी, सर्वांगसम कब होते हैं, जब दो आकृतियां आपके पास हो जिनका आकार और माप अगर समान हो लेकिन स्थिति जो है वो अलग-अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। कितने रूल है, 4, कौन कौन से, एस 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 पहला, दूसरा रूल एस ए एस, तीसरा रूल ए एस ए, चौथा रूल आर एच एस, ठीक है। एस 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 यानी कि साइड साइड साइड, क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हो तो हम उसे कहते हैं दोनों त्रिभुजों को एक दूसरों का सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है। तो ये रहा रूल। फिर दूसरा क्या बताया मैंने कि आपको एस ए एस, जिसमें क्या होगा, एक त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण दूसरे किसी भी त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण के बराबर होगा तो हम उसे कहेंगे एस ए एस यानी साइड एंगल साइड। तीसरा मैंने क्या बताया, ए एस ए, जिसमें क्या होगा, एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की जो भुजा है वो दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ए एस ए, एंगल एंगल दो इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो जाएगी। फिर चौथा रूल बताया आर एच एस, समकोण कर्ण भुजा, इसमें क्या होगा, एक एंगल जो होगा वो तो 90 डिग्री होगा, एक इसमें कर्ण होगा और एक इसमें भुजा होगी, वो अगर समान हो गए तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। तो ये थे सर्वांगसमता के नियम। अब आगे हम बात करेंगे समरूपता के बारे में, किसके बारे में, समरूपता के बारे में, जिसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।